कमॉन दोस्तों, कमॉन, आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे पे। ये सलोनी ने क्यों बोला मुझे नहीं पता, मगर जिस तरह से वो चढ़ी है, मतलब कि ग्रो की है, सारे के सारे यूट्यूबर एक्चुअली में उस पे चढ़ चुके हैं। तो कमॉन दोस्तों, कमॉन, आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे पे। तो स्वागतम मेरे मित्रों या मित्रणियों, तो कैसे हो आप सभी? लोगों को लगता है कि वो गाली देने नहीं चलेगा, कोई और ना दे, ये लोगों को लगता है कि वो गाली देने चलेगा, कोई और ना दे, वो सबको रोस्ट करे, कोई उनको रोस्ट ना। अबे बात बात तो बोलो। हाँ तो चलिए पहले देखते हैं कि कितने इंस्टाग्रामर हैं जिनके यूट्यूब पर चैलेंज है, इंक्लूडिंग मी। अरे दीदी का तो चैनल नहीं है, दीदी का तो चैलेंज है, दीदी ने चैलेंज खोल रखा है। नहीं नहीं दीदी बताओ, ऐसे इस प्रकार के धूम्रपान मिलते कहाँ है जिसको पी के आदमी इतने तप्त हो जाता है? कहाँ से तुम लोग ने चैलेंज खोला है? चैलेंज हमारे पैर छू, दीदी वो तुम्हारे पैर छू ले, अगर उसको ज्यादा फॉलोअर मिले तो वो तुम्हारी पैरों की पप्पी भी ले सकता है, पर जिस स्पीड से उसके फॉलोअर इसके पास आ रहे हैं ना, इसकी माँ के पैरों में इसको जन्नत मिले ना मिले, लेकिन इसके पैरों में इसको फॉलोअर्स जरूर मिलेंगे। बढ़िया, एक काम करो, उसके मुंह में मोबाइल डाल दो और गले की नली से पेट में निकाल दो, वीडियो दुनिया के काम आएगा। ये तो पता नहीं मुझे किसके काम आया है जो जो तुमने किया है, ये वो वाली तो किसी के काम नहीं आई। नहीं दीदी भी कम नहीं है, जिस प्रकार से उसने उसके मुंह पर हाथ मारी, वाह, दीदी की जैसे हरकतें हैं ना, उससे मुझे लगता है कि उसी की जैसी उसकी बातें भी हैं, एकदम जहर। जैसे ही सोची कि मैं वीडियोस बनाऊंगी यूट्यूब पे, कहां पर बनाऊंगी यूट्यूब पे, ये वही दीदी है जो किसी भी नाम को पकड़ के, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसको और छोटा कर सकती है। ये राजा को राजू बोलेंगी, काजल को काजू बोलेंगी और पादा को पादू बोलेंगी, और ये ऐसा दिन भी आ जाए कि अपने पापा को पापी ना बोले ना, कि इसलिए कृपया करके आप ना बोलिएगा अपने पापा को पापी। कैसे किस्मत है यार, अरे वो दीदी यूट्यूब को उठूब बोल तो चलेगा, लेकिन किस्मत के बारे में कुछ मत बोलना, तुम्हारी किस्मत तो सबने देखी है। लोग पैदा होते हैं मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, लेकिन तुम न जाने क्या क्या मुंह में। अरे दीदी क्या हो गया, मैं कब से रो रही हूँ, मैं सुबह से रो रही हूँ इस चीज को लेके, बट कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों रो रही है? अरे अरे बताओ तो, तुमने कष्ट क्या हो गया, दिक्कत क्या, परेशानी क्या आई है? मजाक था भाई, मजाक। हमारे प्यारे जोकर, जोकर तो कैसे भूल सकते हो तुम लोग, सोचा पिछले वीडियो में रोस्ट किया था, इस वीडियो में याद दिला दूं कि जोकर नाम का कोई बंदा है इस दुनिया में, ये भी एक प्रकार से यूजेबल है, देखते हैं, रिसाइक्लेबल है। हेयर ड्रायर लाके दो मुझे, मेरे बाल खड़े करने। अरे जोकर भाई जुल्फे तो हटाओ, जुल्फे नहीं हटाओगे तो बच्चे डरेंगे कैसे? क्या 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 क्या, क्या? बच्चे को नहीं डरा रहा है, आईफोन को। अच्छा आईफोन में नहीं डरेगा, जैसे जुल्फे हटाओगे तभी तो आईफोन डरेगा। अब आते हैं ये लोस्टर के पास,
क्या 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 लोस्टर क्यों बोले? YouTube के परिभाषा में समझाते हैं, YouTube पर अगर कोई बंदा गाली नहीं देता है उसको लोस्टर नहीं, उसको रोस्टर नहीं लोस्टर बोलते हैं। ये करता क्या है? ये नए नए रील्स Instagram TikTok के ट्रेंड और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को मात्र रोस्टर करता है। और अच्छा थोड़ी लगता है एक ही चीज को बार बार दिखाना, मुझको भी अच्छा नहीं लगता है एक ही चीज को बार बार दिखाना। हाँ तो चलिए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, जिसके लिए आप लोगों ने इतना सबर किया, इतना कष्ट किया, इतना कष्ट इस वीडियो को देखा। दीदी अपने चैनल को इतना लंबा चैनल गाइस बोलती है जितना कि एक आदमी को ऊपर से नीचे खींचने में लगे, नहीं एकदम से मेरे मुंह पर आता है सलोनी अप्पा। पूरा यूट्यूब सलोनी अप्पा से भरा पड़ा है। एक स्लाइड करो तो दूसरे का मिलता है, दूसरे का स्लाइड करो तो तीसरे का मिलता है, तीसरे का स्लाइड करो तो चौथा मिलता है, लेकिन ये भरा पड़ा है। और मैं समझ सकता हूँ दीदी, अगर कोई 50, मेरे गिनती से तो 50 होंगे, अगर कोई 50 बंदे किसी पे चढ़े तो क्या हश्र होगा उस बंदे का या फिर बंदी का। एंड मैं सलोनी को रोस्ट करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अगर किसी बंदे या बंदी पर इतना प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है। मतलब आप इतने सारे यूट्यूबर्स एक रोस्ट कर रहे हैं, समझ सकते हो? मतलब इतना भी अच्छा इसको रोस्ट किया क्यों जाता है? क्योंकि ये बंदी अजीबोगरीब शहरियाँ और गाली देती है। हाँ मेरे मित्र और मित्रानी, पूरा यूट्यूब 80% यूट्यूब का गाली गलौज ये सबसे भरा पड़ा है, एब्यूजिंग से भरा पड़ा है। उसको उस सभी को कोई रोस्ट नहीं करता, ये बंदी को सब रोस्ट करते हैं। ऐसा क्यों? एक बंदी करना है तो सभी को करो, एक को क्यों करते हो? सभी बोल रहे थे कि जो तो हाँ जो हमको रोस्ट किया उसको रोस्ट करो। इधर सुनो, उन सभी रोस्ट में मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि ऐसे रोस्ट का फायदा क्या जो कि कॉमेडी ना हो। और हाँ मेरे मित्रों मित्रों, आप सभी को बता देना चाहता है आखिर रोस्टिंग किया क्यों जाता है। रोस्टिंग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि दूसरे बंदे मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में टॉपिक है, उस जिसके बारे में रोस्टिंग किया जा रहा है उसके चैनल या फिर उसके लाइफ पे अफेक्ट हो, उससे नहीं बनाया जाता। इससे बनाया जाता है कि मतलब वो टॉपिक हो गया हम लोगों का और इस टॉपिक से आप सभी को कॉमेडी हो, हंसी हो। और ये रोस्टिंग आता भी है कैटेगरी कौन से में, कैटेगरी कॉमेडी में आता है, ना कि कोई वगैरह वगैरह में, कॉमेडी में ही आता है। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस वीडियो पर 20 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं और दुनिया का मतलब सबसे अच्छा माइक का रिव्यू करूँगा। और आप सभी बोलेंगे कि ये इसमें कॉमेडी फिर क्या होने वाला है, तो अनबॉक्सिंग नाम है बस, कॉमेडी तो बढ़ चढ़ कर होगा। इसलिए कृपया करके इस वीडियो पर 20 लाइक्स डाल दीजिए जल्दी से फटाफट, और नेक्स्ट वीडियो में देखिए हमारा माइक। थैंक यू।